जबलपुर निगम आयुक्त की मनमानी, फुटपाथ गणेश मूर्ति विक्रेताओं पर ढाया कहर। जबलपुर आज दिनांक गोल बाजार स्थित फुटपाथ गणेश जी की प्रतिमाओं विक्रेताओं पर जबलपुर नगर निगम आयुक्त की बर्बरता ढाया कहर। नगर निगम पथ विक्रेता समिति के मुख्य सदस्य शशिकांत सोनी ने बताया, कई सालों से शहीद स्मारक गोल बाजार में फुटपाथ पर महज एक सप्ताह के लिए छोटे एवं फुटकर गरीब व्यापारी साल भर मेहनत कर कर्ज लेकर गणेश प्रतिमाओं का व्यापार करते हैं, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण एवं जीवन यापन चलता है। लेकिन जहां मूर्तियों की दुकान लगती है, वहां पर बड़े बड़े रसूखदारों की बड़ी बड़े कारें खड़ी होती हैं, जिनके रसूख के चलते जबलपुर नगर निगम आयुक्त ने इस बार गणेश प्रतिमा व्यापारियों को दुकान लगाने से मना कर दिया और तैयार दुकानों को तोड़ने के लिए अतिक्रमण अमला भी भेज दिया है। जबकि नियम अनुसार साप्ताहिक एवं हिंदू धर्म की गणेश प्रतिमा का फुटकर रूप से व्यापार करने वालों पर अनुमति का कोई नियम लागू नहीं होता है, लेकिन फिर भी निगमायुक्त अपनी मनमानी कर रहे हैं। फुटकर व्यापारियों ने इसी बात का विरोध प्रदर्शन नगर निगम में किया। नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज को ज्ञापन सौंप कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। वहीं निगम अध्यक्ष रिंकू विज ने तत्काल निगमायुक्त से बात कर गणेश प्रतिमा व्यापारियों को 100% दुकान लगाने का आश्वासन दिया और उनकी समस्याओं का निराकरण करने का वादा किया। नहीं दी जा रही, जैसा कि विदित है, गणेश उत्सव का त्यौहार आने वाला है। प्रत्येक हिंदू परिवारों में गणेश जी की मूर्ति रखी जाती है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे भाई लोग जो मूर्तियां बनाते हैं, क्योंकि ये साप्ताहिक व्यापार होता है तो रोड पे ही उनको काम करने की एक मजबूरी होती है, कोई स्थान होता नहीं उनके पास। ऐसा भी पता चला है कि नगर निगम में आयुक्त महोदय ने बाज़ार विभाग के माध्यम से वहाँ पे अतिक्रमण दस्ता भेजा है। आप लोगों से बात हुई है, अभी आप लोगों का पक्ष जाना, आयुक्त महोदय से बात करी। आयुक्त महोदय अभी कोर्ट में है, उन्होंने मुझसे बोला कोर्ट से बाहर निकल के बात करेंगे। जैसे ही उनसे बात होती है, हमारा पूरा प्रयास करेगा 100% हमारे साथी भाई लोग जो गरीब लोग वहाँ पे दुकान लगाते हैं, उनको वहाँ दुकान लगाने की परमिशन दिलाई जाएगी। ज्ञापन दिया है अध्यक्ष महोदय जी को, क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन है, जैसे तो हम आप सब जानते हैं कि हमारे प्रथम पूज भगवान गणेश का त्यौहार आने वाला है, 10 दिनी त्यौहार आने वाला है। तो पिछले कई 10 वर्षों से हमारे कुमार भाई, प्रजापति भाई, ये सारे लोग गोल बाजार में गणेश प्रतिमाओं की मूर्ति विक्रय के लिए दुकानें लगाते आ रहे हैं। पहले दुकानें फुहारे पर लगती थी, तो प्रशासनिक अमला ने कहा कि भाई ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, तो सब बंधु लोग गोल बाजार शिफ्ट हो जाए। तो गोल बाजार में चूंकि जगह पर्याप्त है, चारों तरफ दुकानें 20 साल से लग रही हैं, किंतु वर्तमान में निगम आयुक्त महोदय जो है परमिशन नहीं दे रहे हैं इनको दुकान लगाने। किन कारणों से आपको परमिशन नहीं मिल रही है? अब किन कारणों से इनकी निगम आयुक्त महोदय की क्या सोच है क्या नहीं है, हम लोग नहीं जानते। एक तरफ मोदी सरकार, शिवराज सरकार चाह रही है कि सारे लोग रोजगार से जुड़े, और ये प्रशासनिक अमला पता नहीं क्या तानाशाही रवैया अपनाना चाह रहा है। बाजार विभाग गए तो वो बोलते हैं भैया कमिश्नर साहब से परमिशन लीजिए, एडिशनल साहब के पास जाते हैं कहते हैं उनसे आप बात कर लीजिए, अतिक्रमण अधिकारी से बात करते हैं कहते हैं कमिश्नर साहब परमिशन देंगे, तो ये बाकी लोग कहाँ जाएँ, कैसे काम करेंगे? जबलपुर से अपडेट मीडिया के लिए नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।